ये है जनपद सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज सदर विधानसभा क्षेत्र, चमचमाती हुई रोड, फूड स्टॉल, चमचमाते हुए मॉल, कॉफी शॉप तथा रॉबर्ट्सगंज तहसील परिसर का साफ सुथरा क्षेत्र, जहां सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। तथा इसी कॉलोनी के पास मायावती सरकार के कार्यकाल के दौरान तैयार हुआ मायावती आवास, जिसे बने हुए करीब 10 साल हो गए तथा अब वर्तमान में इसकी स्थिति ऐसी हो चली है कि आवास बनने के बाद इस आवासीय परिसर को इस प्रकार से इन 10 सालों में इसे अनदेखा कर दिया गया कि पूरी इमारत जर्जर हो चली है तथा किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना की बायस हो सकती है, जिस पर जिला प्रशासन तथा नगर पालिका पूरी तरह से आंखें मूंदे हुआ है। इमारत की जर्जर व्यवस्था ऐसी कि इमारत की दीवारों की फट चुकी है तथा इन दरारों में पेड़ पौधे भी उग आए हैं तथा गंदगी इस तरह से आवासीय परिसर में फैली हुई है कि बड़ी दुर्घटना के साथ ही एक बड़ी महामारी की चुनौती हर घड़ी इस आवासीय परिसर में रह रहे लोगों को झेलनी पड़ रही है। कोरोना को लेकर जहां सरकार लॉकडाउन से लेकर हर प्रकार के संभव प्रयास कर रही है, वहीं यह आवासीय परिसर कोरोना जैसी महामारी को भी खुली चुनौती दे रहा है, जिसका असर पूरे आसपास के क्षेत्र, नगर, जिला, प्रदेश से लेकर देश तक को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ये मायावती आवास है, मायावती आवास, और यहाँ पे कब से आप लोग हैं ये बताइए। कम से कम दो मतलब हम 10 साल हो गया इस आवास में आए हुए, 10 साल हो गया। 5 साल में यहाँ पे कुछ भी मरम्मत के नाम पे कभी कुछ भी नहीं हुआ, भी नहीं हुआ अभी तक। नाली देखिए, सामने नाली जाम हुआ है, कहीं भी पानी नहीं निकल रहा। साफ सफाई की कोई जो है कोई योजना नहीं, साफ सफाई की कोई नहीं है। बिजली का क्या? बिजली सही है, बिजली पानी पानी की क्या व्यवस्था है? पानी भी सही है, पानी भी सही है, साफ सफाई यहाँ नहीं जा रही है, घर घर पानी नहीं जा रही है, कनेक्शन लग चुकी है, नीचे से पानी लोग लेकर जाता है, और नीचे का जो भी आदमी रहता है, चेंबर वगैरह है, लैट्रिन की है, और पानी की सप्लाई जो है, नाली की सप्लाई है, सब घर में जा रही है। ये हम कह रहे हैं कुछ लोगों का प्लॉट ऊपर वाला है जो दम जंजर हो गया है, हाँ छड़िया, पानी नीचे आ रहा है, और उस पर डर की आवाज में हम लोग जी रहे हैं सर। जी सर, कंडीशन एकदम बद से बदतर हो गई है, तो हम लोग सोचे हैं बहन जी को लाने के लिए। इसलिए कि हम लोग उनके आवास में रह रहे हैं, और कोई हम लोग रह रहे हैं, कोई दूसरा कोई कुछ कर नहीं रहा जी। जब उनके अथुन स्तर में हम लोग रह रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग सोचेंगे कि उन्हीं का दें। तो इस बार मायावती जी का ये आवास है, उनके द्वारा बनाया हुआ था, दिया हुआ था ये 10 साल पहले, जब मायावती जी की सरकार थी उस समय जो है कि आप लोगों को मिला था। उसके बाद से इसमें कोई मरम्मत वगैरह नहीं किया गया, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हर कोई डर डर के रह रहा है अपने परिवार बच्चों के साथ में। हर एक पल जो है कि किस तरह से वो डर के साए में ज़िंदगी जी रहे हैं कि कब कौन सी दुर्घटना हो जाए। तो इस बार के चुनाव में यहाँ के जो जनता है, जो इस कॉलोनी में रह रही है, उनका ये कहना है कि हम इस बार बहन मायावती जी को ही चुनाव जिताएंगे और उनको ही मुख्यमंत्री जो है कि बनाएंगे। बहुत बहुत